पहली बार विदेशी जमीन पर कदम रख दिया, तो ये वाली फीलिंग बड़ी प्यारी आई थी। वहां पर महीने का खर्चा 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम लगा के चलो अगर आपको सही से घूमना है। जब आप इमिग्रेशन कर रहे हो यहाँ पर आओगे तब भी वहां पे एक बार वो क्रॉस चेक होगा। ऐसा नहीं जितना हाइप बना रखा है यूरोप का उतना भयंकर हाइप है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। स्पेन भी हम गए थे, स्पेन तो मुझे बहुत बेकार लगा। वहाँ 4-4 चोर हमारे पीछे थे, मेरा बैग ओपन करके मेरा वॉलेट निकाल लिया, गरीब देश एकदम। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन बेला इन यूरोप में। सो आज हमारे साथ है सर्वेश भारद्वाज जो कि मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड है और हमारे फ्रेंड है, तो स्पेशली पहली बार यहाँ यूरोप टूर पर आए हैं टूरिस्ट वीजा पर। तो चलिए आज इनसे जानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इनको 1 मंथ हो गया है यहाँ पूरा यूरोप घूमते घूमते, तो अभी परसों जाने वाले हैं। तो हम सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना ले जो आप लोगों के बेहद काम आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो और बहुत सारी ऐसी चीजें पूछ ले कि इनको कैसा लगा। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको कैसा लगा अपने बचपन के दोस्त से मिल के यहाँ, वो भी जर्मनी में? हाँ ये बात अच्छी थी, इसके अंदर हम बचपन वाले दोस्त तो मिलते रहते हैं बट यहाँ पे आके मिलने का मजा अलग था। जो हम वहाँ पर गलियों में घूमा करते थे और अब यहाँ पर आके अब जर्मनी में आके जर्मनी गलियों में घूम रहे हैं यहाँ पर देखना तो बहुत अच्छा लगा। पहला जो हमारा इंसिडेंस था, हम सीधे यहाँ से उठा के गए, साइकिल उठा के खेतों में पहुंच गए क्योंकि यहाँ के खेतों में कुछ अलग मजा था। वहाँ के खेतों में तो हमने बनाया भी है, बिरयानी भी बनाई है, सब कुछ किया है बट वहाँ भी देखना था क्या होता है ऐसा यहाँ पर, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। क्या डिफरेंट लगा आपको, मतलब कितना इंडिया से और यहाँ पर कितना अलग लगा? आपने इंडिया में भी खेत देखे हैं, यहाँ पर भी खेत देखे हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी। ओवरऑल खेत जो है हमारे इंडिया में ज्यादा अच्छे हैं वैसे मुझे तो यहाँ पर सारा का सारा मशीन के थ्रू सारा का सारा काम हो रहा है, लोग नहीं है वहाँ पर सारे के सारे, और तो काफी बड़े बड़े फील्ड्स हैं, मुझे तो वहीं पर अच्छा लगा था। इंडिया में ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोगों को उतना ऑटोमेटेड देखने की वो हमने जो खेत हमारे जो बचपन से जहन में रहे हैं हमेशा से वो अलग रहा है, वो इंडिया वाला ही खेत है हमारा अब यहाँ का थोड़ा। बट ओवरऑल वैसे अगर तेरे को कैसा एक्सपीरियंस लगा तेरे को यहाँ? नहीं ओवरऑल वैसे लाइफ स्टाइल वगैरह कैसा? लाइफ स्टाइल तो मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर आके लोगों का देखा, यहाँ पर एक तो रूल्स वगैरह काफी ज्यादा हैं एंड जो उन्होंने रूल बुक बना रखी है, हाँ वो ही मैं बोलने वाला था कि जो रूल बुक उन्होंने बना रखी है उसको प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके कर भी रहे हैं। मैंने यहाँ पर बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार सब तरह से ट्रेवल किया बट हाँ मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर जो लगा वो ट्रैफिक रूल्स लगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉपर वे में उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, लेन ड्राइविंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, लेन का मीनिंग यहाँ पर थोड़ा लोग बेटर पता है कि कौन सी लेन फास्ट लेन है, कौन सी अपनी ओवरटेकिंग लेन है, कौन सी आपकी कहाँ से आपको लेन चेंज करनी, बहुत सारे रूल्स हैं। तो आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, नियरली 4,000 किलोमीटर हमने जो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से ट्रैवल किया है, तो पूरा रोड का तो अच्छा खासा पता चल गया, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एक चीज मैं चाहूंगा कि यार इंडिया में भी थोड़ी समझ बढ़े लोगों के अंदर यार रूल्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल इस चीज के लिए ये होगा कि जैसे अगर आप पैदल चल रहे हैं आप रोड पे, हाँ तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे कोई खतरा तो नहीं है। जैसे इंडिया में क्या है, आपका है भी ग्रीन लाइट तब भी आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पे आप लाइट हो ना हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, वो आपको उसने देख लिया आप फुटपाथ पे क्रॉस करना चाहते हो तो वो रोक लेगा आपके लिए। हाँ यहाँ पे तो एक्सपीरियंस तेरा सही रहा बट वहाँ जब तू तो इंडिया से अप्लाई कर रहा था तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा तेरा? क्या वो बहुत वैसे स्मूथ प्रोसेस है पूरा का पूरा, ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, उनके बीएफएस की वेबसाइट पर आप जाओगे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कर रखी है। यू नीड टू डाउनलोड 1 डॉक्यूमेंट जो उसके अंदर चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में सारी चीजें वहां पर आप देखते जाओ, 1 by 1 उनको रेडी करते जाओ। तो फ्यू ऑफ द थिंग्स उसमें ये थी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज उसमें ये देखनी होती है लोगों को हमारे पास में कि आप यहाँ पर जा रहे हो यूरोप तो उसके बाद आप वापस आओगे या नहीं आओगे, तो ये चीज इनको मेनली देखनी होती है, उनका कंसर्न होता है। अगर आप ये जस्टिफाई कर दोगे कि आप वापस आ जाओगे तो फिर वो आपको आराम से वीजा दे देंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में रेडी कर लो, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, आराम से दी हुई है। आई डू हैव दैट लिस्ट क्योंकि मैंने उसकी दो बार डाली हुई है ना, हाँ वो लिस्ट आराम से ऑनलाइन है उनके वेबसाइट के ऊपर, VFS I don't know वेबसाइट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, diplo.ae उनकी एम्बेसी की होगी। हाँ तो ये उसमें एक चेकलिस्ट होती है उधर, तो पूरी चेकलिस्ट के अंदर हम डाल देते हैं, तो इसके अंदर ये सारी चीजें पूरी करनी होती हैं। एक उनका शेंजन वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म डालना होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट के अंदर पूरा टिक कर रखा है कौन सा करना कौन नहीं, जो नहीं चाहिए उसके अंदर हम क्रॉस भी करते हैं, वो आगे मिलेंगे इसके अंदर काफी सारी।
प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन देना होता है, पर्सनल कवरिंग लेटर देना है, और आपका प्रूफ ऑफ इंटेंट भी देना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप इसको करने लगते हैं, पूरा अपना पूरा जो ट्रिप है वो शो करना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे, कैसे जाओगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, सब चीज उसके अंदर डिक्लेयर करके बतानी पड़ती है, एक भी एक आइटनरी, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी इस टाइम आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप इमिग्रेशन कर रहे हो यहाँ पर आओगे, तब भी वहाँ पे एक बार वो क्रॉस चेक होगा। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम मेरे साथ तो हुआ, जैसे मैं कॉपी लेके आया था अपने साथ में, ये मेरे को सजेस्ट किया था लाने के लिए, तो मैं इसको लेके आया तो मुझे दिखाना पड़ गया था सारा का सारा। लिस्ट तो ठीक है, बट जर्मनी का ही क्यों तूने चूज किया? जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं और तेरा एक और फ्रेंड सुशील हम रहते हैं यहाँ पे, या और भी कोई पर्सनल रीजन था तेरा? ये तो एक वन ऑफ द रीजन था ही कि यार आप लोग तो यहाँ पर रह रहे हो। दूसरा मेरा एक रीजन था कि यार यूरोप के ना सेंटर में पड़ता है जर्मनी, यहाँ से हर एक कंट्री को ना रीच करना बड़ा आसान था, तो ये दोनों की दोनों कोइंसिडेंसेस मेरे पास हो गए। अगर तुम किसी और कंट्री में होते तो बात फिर प्लान्स अलग होते, जैसे और फ्रेंड्स भी हैं जो अलग ऑस्ट्रिया के अंदर भी रह रहे हैं, बट जो हमारे पास में जर्मनी है ये सेंटर में पड़ रहा है, तो उससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि कहीं पर भी जा सकते हैं, इसको सेंटर पॉइंट बनाओ और कहीं पर भी जा सको। दूसरा मेन पॉइंट ही था जर्मनी का कि यार जो ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, या इस तरह की जो कंट्रीज हैं, या स्पेन है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और वहां पर आपका वीजा कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ टूरिस्ट कम है, तो मैंने सोचा यहाँ पर लोग बुला भी लेंगे आपको, तो मैंने एक और ये रीजन बना लिया यहाँ पर आने का। और इमिग्रेशन का प्रोसेस जब तू कर रहा था जर्मनी में, तो ऐसा कुछ तेरे को फील हुआ, क्या सिस्टम था, कैसा लगा? तो सबसे अच्छी फीलिंग था भाई जब पहली बार जो है ना जहाज के पहिए रोड पर टच हुए, और मैंने वो वीडियो कैप्चर भी किया था उस टाइम पर ही, बोला भी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हमें उन्होंने भेज दिया, अब यहाँ पर सारे के सारे वही अंग्रेज जैसे दिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं, एंड आई वाज कंफ्यूज क्या करूँ। मोबाइल निकाला, मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट का मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पर आराम से इंटरनेट मिल जाएगा। मैं उनके पीछे पीछे जहाँ वो भेजते जा रहे हैं हम जाते जा रहे हैं। फिर इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पर, इनिशियली उन्होंने जर्मन में स्टार्ट किया, बट मैंने कहा आई डोंट नो जर्मन, तो उन्होंने इंग्लिश में फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, एंड उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, जैसे कि मैं कहाँ स्टे करने वाला हूँ, कितने टाइम यहाँ पर रुकने वाला हूँ, कैसे वापस जाने वाला हूँ, ये दो तीन डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रॉस वैलिडेट किए, एंड उसके बाद में मुझे भेज दिया। बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस लग रहा था यहाँ के जो पुलिस को देखकर, मतलब अच्छी खासे ड्रेस के अंदर गन्स वंस लेकर, पूरे काफी स्टाइलिश लग रहे थे, मोटा पुलिस वाला नहीं दिखेगा, मोटे नहीं थे, हाँ स्टाइलिश लग रहे थे, बड़े टोन्ड रहते हैं यहाँ पे लोग। तो दैट वाज वन ऑफ द मतलब पहला एक्सपीरियंस था, तो अच्छा लगा मुझे। फिर यहाँ पर जैसे वो देखे थे डबल, मतलब हमारे यहाँ पर इंडिया में छोटी साइज की बसेज होती है, यहाँ पर अटैच बसेज होती है, वो भी एक अच्छा सा एक्सटेंडेड बसेस कहते हैं उनको, तो वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से रहा, फिर उसके बाद हमारा जर्मनी में आगमन हो गया। चलो ये भी है, खैर अभी तूने बोला कि जैसे तेरा मोटिवेशन था पहले, क्योंकि हम लोग तो आ गए थे बाय चांस, तेरा नहीं हो पाया था, बट अब जैसे तू अपना इंडिया में वेल सेटल्ड है, अपना खुद का तेरा काम है, आईटी की खुद की कंपनी है, अब तेरे को क्या लगता है कि डू यू रिग्रेट मिसिंग आउट इन लिविंग इन जर्मनी, और डू यू फील कि जो हुआ वो ठीक था, घूमना ही सही ठीक है बस, या और कुछ भी हो सकता था? उस टाइम पर लगता था कि हाँ यार कि बाहर जाओ, विदेश जाओ, एंड सब कुछ, ये सब कुछ मेरे अंदर भी फीलिंग थी। बाकी ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मुझे रिग्रेट तो नहीं है, आई स्टिल लव माई इंडिया। मेरे को यहाँ पर आके ये लगा कि हाँ यार ये कल्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट कल्चरली ये इतने रिच नहीं है, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो शायद मैं अभी इसके अंदर ना वेट मेरा, मैं उसको इंडिया का दूंगा, अभी मैं होमसिक हूँ, मुझे फैमिली की याद आती है, सब कुछ होता है यहाँ पर भी, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ वो यहाँ पर बेटर है, बट ये इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। पार्क्स हैं, इतनी सारी स्पेस है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं, सब घरों के अंदर हैं। तो ये कह सकते हैं एट द एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैं इंडिया में हूँ, बट हाँ घूमना मुझे था, दैट इज वन ऑफ माय, बट आई थिंक ये वो कहते हैं ना डेस्टिनी जो होती है वो सही कराती है, और आई थिंक डेस्टिनी वाइज तेरे को अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही इतनी मिल गई कि तू एटलीस्ट यहाँ आने के ट्रिप्स तो अफोर्ड कर पा रहा है ना, तो दैट गिव्स यू दैट एक्सपोजर एट योर विल, तो अब अपनी मर्जी से आप कर सकता है। कभी भी मैं घोस्ट नहीं करना चाह रहा था बस, बट मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ क्योंकि देखो बाहर क्यों आता है कोई, इसलिए आता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, बट वो तेरे को वहां ही मिल गई,
और उसके बाद जो हमको जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो ग्लिम्स तूने यहाँ के ले लिया, तो आई थिंक दैट वेज यू कैन हैव दैट. सिंस हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो मतलब ऐसा नहीं हम कुछ बहुत ज्यादा गैप रहते हैं, कोई गैप हमारे में है ही नहीं. तो बस मुझे कहा था कि इनसे जो उन्होंने 10 साल के अंदर निचोड़ा, मैंने वो 1 महीने के अंदर निचोड़ लिया इनके साथ घूम फिर के. एंड वो सब चीजें जो है ना मैंने सब एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पर. तो मुझे उस चीज का वो गैप भी फील हो गया और साथ में जो मुझे फैमिली चाहिए थी वो गैप भी फील हो गया. एंड तेरा पॉइंट सही है, हाँ आई एम वेल अर्निंग ओवर देयर, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी कि मैं यहाँ पे आगे कमाऊँ कि मैं वहाँ पर कमाऊँ, तो वो मुझे डिफरेंस क्रिएट नहीं लग रहा. तो I'm just enjoying my time. अब तूने I think 5 या 6 countries cover की हैं इस trip में, right? हाँ, 5 I believe, yes. 5, 6. चलो 6. Six. तो तेरी top 2 या 3 locations या destinations कौन सी रही हैं अब तक? Obviously बात है Switzerland beauty के मामले में मतलब undoubtedly बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है. आप वहाँ पर जाते हैं एंड वहाँ के लैंडस्केप सच में काफी अच्छे हैं. लोगों के अंदर काफी ज्यादा ये है कि मतलब उस चीज को मेंटेन करके चल रहे हैं हर चीज के हिसाब से. गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट करा, तो वो सब चीजें उसने ओवरऑल बहुत अच्छा कर रखा है. इवन जो बहुत सारे प्लेसेस हैं जैसे कि यार कुछ हमारे फॉल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने ना इतना कमर्शलाइज भी कर रखा है और उसकी जो इंटीग्रिटी है वो भी खराब नहीं कर रखी है. ठीक है ना, जो नेचुरल ब्यूटी वो भी खराब नहीं कर रखी है लेकिन वो कमर्शलाइज्ड भी है. ये चीज मुझे बड़ी प्यारी लगी. बैलेंस्ड है. हाँ, इतना अच्छा बैलेंस कर रखा है कि आप जो नेचुरल ब्यूटी को भी देख पा रहे हो, उस नेचुरल चीजों को भी देख पा रहे हो एंड साथ में वो प्रॉपरली मैनेज्ड है, जिससे कि वहां पर कोई वैसा अफरा तफरी या गंद नहीं मचेगा या फिर वैसे भी कोई वो नहीं होगा. तो ये चीज मुझे बड़ी टूरिस्टिक प्लेस से भी जाके आप काम एक फील कर सकते हो. जैसे हम इंडिया में जाते हैं मसूरी साइड ऐसी जगह पे, तो वहाँ दिखता है कि टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत रश रहता है. वो नहीं मिला तेरे को, ये कहना चाहिए. कुछ और चीजें ऐसी भी हैं जैसे कि कुछ सिटीज हैं, कुछ एरियाज हैं जो कि व्हीकल फ्री हैं. वहाँ पर आप व्हीकल ले ही नहीं जा सकते. इवन हमको कुछ जगह पर जाने के लिए 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है, जो कि स्ट्रेंज लगेगा थोड़ा इंडिया में ये चीज की यार क्या 5-5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो इजी लगता है. बट यहाँ पर वो थोड़ा पूरा मैनेज कर रखा है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी है. भाई वो अपने उस पर है. उसके बाद हमें जो है चेक रिपब्लिक काफी अच्छा लगा. चेक रिपब्लिक काफी ज्यादा हैपनिंग सा मुझे लगा. ठीक है ना, तो वो चीज भी मेरे को अच्छी लगी. जर्मनी तो ऑल टाइम लग्जरियस लाइफ के लिए उसका तो उस तरीके से है, तो यहाँ पर है वो मुझे ठीक लगा, मतलब प्रॉपर मैनेज. और फिर हम लोग खुद दोनों भी स्पेन गए थे. स्पेन भी हम गए थे. स्पेन तो मुझे बहुत बेकार लगा. वहाँ पर हमारे साथ में लूटपाट हो गई हमारे साथ में. मेरा बैग खोल लिया पीछे से चोरों ने आके. 4 चोर हमारे पीछे थे. मेरा बैग ओपन करके मेरा वॉलेट निकाल लिया. गरीब देश एकदम. बट आई थिंक हाँ, वो मैड्रिड में तो हमारा खराब एक्सपीरियंस रहा था. बट जब हम मलोर्का बीच आइलैंड गए थे वो हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस था 3 दिन. एक चीज जो और हमने एक्सप्लोर कर अपने साथ में बैठ के, कि हम अब नेचर लवर होते जा रहे हैं और ज्यादा नेचर के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद आता है. ये बिल्डिंग्स वगैरह एंड ओल्ड आर्किटेक्चर सो सकता है ओल्ड एज में आए दिमाग में, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है. अभी तो नेचर लवर रिवर्स ये सब चीजें ज्यादा बेटर मुझे लग रही हैं. इवन इसको भी लग रही हैं. अच्छा खासा तेरा तो जेब से खर्चा भी हुआ होगा. अब तक तेरा क्या एस्टीमेट चल रहा है कि तेरा ये किसी को अगर समझना हो कि भाई 1 महीना अगर तूने इतनी आराम, क्योंकि तू मैंने देखा कि तूने खुला खर्चा किया, तूने कोई रोका नहीं अपने आप को, बट ऑन एन एवरेज तेरा क्या एस्टीमेट रहेगा कि भाई अगर कोई आदमी एक महीना है तो चलो ज्यादा हो गया, बट 15 से 20 दिन अगर किसी भी अगर उस हिसाब से बात करें तो क्या खर्चे लेके चले आदमी? ये देखो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो. जैसे मैंने हाफ ऑफ द टाइम मतलब तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड किया है. कुछ टाइम मैंने होटल्स भी लिए हैं, कहीं पर हम डोम्स के अंदर भी रुके हैं, तो बहुत अलग अलग वैरायटी मैंने करी. मैंने तो आपको बताया था कि वो सारे के सारी चीजें करी थी तो अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर करी. ठीक है ना, या फिर तुमने जो मेरे को मैंने बताया था 10 साल जो उन्होंने यहाँ पर बिताए, वो 10 साल मुझे 30 दिन के अंदर जिए थे. तो मैंने वो सारी चीजें पकड़ने की कोशिश करी. मैंने सस्ती चीजें भी करी, मैंने महंगी चीजें भी करी, बट हाँ अपने आप को मैंने कहीं पे हिंड्रेंस नहीं करा. बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से, मेरी तरह वेजिटेरियन हो अगर प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो आप महीने का खर्चा 5-6 लाख रुपए मिनिमम लगा के चलो अगर आपको सही से घूमना है. तीन लोकेशंस भी कवर करी तो क्यूजीन और खाने पीने के मामले में तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ये ध्यान में रखते हुए कि तू प्योर वेजिटेरियन है? तो बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन गाय तो यार आपको ना बड़ी दिक्कत होने वाली है यूरोप के अंदर खाने के लिए बाहर. अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो अपने आप को नए टेस्ट के लिए,
मैं तो खैर इस चीज के लिए बिल्कुल ओपन था कि मुझे यहाँ का लोकल खाना खाना है एंड वेजिटेरियन खाना है, तो मैं काफी रिजिड था। ऑल्दो मेरे ऑप्शंस फिर बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, बट स्टिल मतलब वो मेरे लिए एक्सपेंसिव भी पड़ रहा था। एंड मतलब पहली वाली तो ये भी फीलिंग भी आ रही थी, क्या मैं घास फूस खा के अपना दिन काट रहा हूँ। इवन कुछ दिन मैंने सिर्फ ब्रेड्स एंड दूध पिया, जहां मुझे बिल्कुल ही नहीं लग पा रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ खा पाऊंगा, तो उससे भी मैंने कराया। इवन स्विट्जरलैंड के अंदर तो मुझे भी याद है कि वहां पर नहीं मिल पा रहा था, मैंने वो लिया, दही का पैकेट लिया एंड ब्रेड लिया एंड क्रोसों एक ऐसी चीज मुझे लगी जो कहीं पे भी मैं जाके खा सकता हूँ, तो वो मैंने खा के अपना डिबो कैसे खा के निकाले हैं टाइम। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये मेरे लिए अब क्या कर सकते हैं, वो करना पड़ता है। एंड आई थिंक तूने काफी टाइप्स के यूरोपियन पिज्जास भी खाए हैं। यूरोपियन पिज्जा जो कि टोटली इंडियन पिज्जा से बहुत डिफरेंट है। हाँ, एक दो जगह मुझे बहुत बेकार लगे बट फिर एवरेज लगे। एक जगह मेरे को अच्छा मिला जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है हाइडलबर्ग के अंदर, उसने मुझे बड़ा अच्छा पिज्जा खिलाया जहाँ मुझे अच्छा लगा। और एक और मेरा फ्रेंड रहता है फ्रैंकफर्ट के अंदर, उसने घर में मेरे लिए बना के खिलाया इतना अच्छा पिज्जा, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। एक अच्छी चीज यहाँ पर आके मैंने सीख ली वो थी यहाँ के ब्रेड्स खाना, तो अब मैं ब्रेड खा के बता रोटी की कमी फील नहीं होती है। हाँ, के बाद, हाँ। रोटी की कमी फील नहीं होती। बाकी हाँ, दोनों टाइप के ब्रेड्स हैं, व्हाइट ब्रेड भी हैं और आपका ब्राउन ब्रेड्स भी हैं, लेकिन ब्रेड्स जो ब्राउन के अंदर हैं वो वाकई में मेरे लिए काफी अच्छे रहे। इंडिया में जब मैं ब्रेड्स वगैरह खाता हूँ मेरे को एसिडिटी वगैरह उस तरह की प्रॉब्लम हो जाती थी, यहाँ मुझे एक भी दिन नहीं हुई इस चीज की प्रॉब्लम, ये मुझे अच्छा लगे। मैंने ब्रेड्स खाए हैं बट स्टिल मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे ब्रेड्स यहाँ पर अच्छे लगे। जैसे हमने कहा कि 5-6 लोकेशंस तूने कवर करी हैं, डेस्टिनेशंस कवर की हैं और हर जगह की अपनी बोली भाषा थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब वो बैरियर था कि लोकल भाषा नहीं आती, तो उसकी वजह से कोई बैरियर फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल मेरे को वो मिल रहा है एक्सपोजर यहाँ पे? ऐसी फीलिंग बस आनी अच्छी लगती है, बाकी सच में बैरियर बहुत ज्यादा था। मैं जिसके पास भी जा रहा था या तो तुम साथ में था, कोई ना कोई मेरे साथ में था, या फिर अगर नहीं था तो जैसे मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गया यहाँ पर, क्योंकि मेरे को सब कुछ यहाँ पर ट्राई करना था हर एक अलग अलग जगह पर आके। एक रेस्टोरेंट में जाके मैंने देखा तो मैं उसको इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको इवन गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ समझ, मतलब मेरे को उस रेस्टोरेंट से जाना ही पड़ गया। तो मतलब बैरियर रहा मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा। एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हो, वहाँ पर सब कुछ यार आपका उसकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, कई बार आपका नेट नहीं चल रहा है वहां पर, मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट से, तब भी समझ नहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब आप आते हो यहाँ पर तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो। इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि स्पेन में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे पास में नेटवर्क चला गया, इसका फोन स्विच ऑफ हो गया एंड मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो हम GPS के थ्रू वहां पर गए थे, मतलब अपनी लोकेशन गए थे GPS के थ्रू रास्ते ढूंढने गए थे, तो ये अचानक से दिमाग में आया रैंडमली कि हम GPS भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ट्रेवल टाइम पर ना ध्यान रखना ही पड़ता है। मेडिसिन जरूर लेके जानी पड़ती है, वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगा क्या, क्योंकि बीच में हमें चोट लगी थी। हाँ, बीच में जब चोट लग गई उसके बाद हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ी, बीच में रॉक्स पे हम लोग थे तो हमारे पैरों में चोट ली, तो हमारी इसकी किट ने बहुत बचाया हमें। तो वो जो किट में लेके गया था वो सारी की सारी काम आई, तो ये सब चीजें। बाकी हाँ, लैंग्वेज तो आएगी आपको प्रॉब्लम, इसलिए गूगल ट्रांसलेट तो अपने फोन के अंदर रखो, और जिस कंट्री में जा रहे हो एटलीस्ट उसकी ना लोकल लैंग्वेज की लाइब्रेरी डाउनलोड करके आओ, क्योंकि अगर बाई चांस नेटवर्क नहीं आया तो एटलीस्ट तुम ट्रांसलेट कर पाओगे, बात कर पाओगे विदाउट इंटरनेट, अदरवाइज आपको दिक्कत आने के चांसेस है। इंग्लिश तो आप जैसे आप बात करने की कोशिश कर रहे होते तो इंग्लिश में लोग कम ही बात करते हैं, बहुत ही कम मिलेंगे। इवन मेरे को तो नहीं लगता, मुझे बहुत मतलब कि 2-3% लोग ही मिलेंगे जो इंग्लिश में बात करने के लिए रेडी हो, भी मेजर सिटीज। हाँ, मेजर सिटीज के अंदर अगर आप गांव वाले एरिया में यहाँ पर चले जाओ वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो आपको इवन आप जो ना अपने हैंड गेस्चर से माउथ गेस्चर उससे भी नहीं समझा पा रहे हो इंसान को कि क्या कह रहे हैं। वेजिटेरियन के लिए तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो वेज कैसे समझाए, मतलब इवन यहाँ पर फिश को वेज कह देते हैं कई लोग, तो मतलब आपको वेजिटेरियन खाना ढूंढना तो मतलब आपको 3 चीज बोलनी पड़ेंगी, नो फिश, नो एग, नो फ्लैश, इवन नो मीट भी बोलना पड़ेगा। जब 4 चीज बोलोगे तो उसे कंफर्म करोगे 4 चीज नहीं है तभी आप उससे लो, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ वो खिला देगा गारंटीड है। एक और किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उसको पॉर्क खिला दिया किसी ने। तो अगर आपको ये सब कुछ खाने से बचना है तो ये 4 बातें जरूर पूछ लेना खाना खाने से पहले। तो ये सारे चैलेंजेस के बावजूद फिर भी तेरे को कैसा लगा? मतलब आई नो कि लैंग्वेज बैरियर वो है, वो हम भी 12 साल से रह रहे हैं वो है, वो हमने लोकल लैंग्वेज सीख लिया तो थोड़ा ओवरकम कर लिया है, बट उस सब के बावजूद तुझे कैसा फील आया कि लोग वेलकमिंग है इन सब बैरियर्स के बावजूद, या वो चाहते ही नहीं कि मिंगल करें इंटरनेशनल लोगों से?
हाँ ये मिक्स एंड मैच सा थोड़ी फीलिंग है इसके अंदर मेरी, मतलब कहीं पर मुझे लगा कि हाँ यार जैसे कि दे डोंट कंसीडर इंडियन गाइज टू बी वेरी, मतलब उनके मतलब वो यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब कुछों का ऐसे मिक्स एंड मैच फीलिंग है, कुछ जगह पर काफ़ी वेलकमिंग फीलिंग है। जैसे कि मैं कुछ रेस्टोरों में गया वहाँ पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैंने एक जगह स्विट्जरलैंड जाके पैराग्लाइडिंग करी वहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा गाइड था ही वॉज सरप्राइज कि यार हाउ कैन अ इंडियन कम हेयर एंड वो हमारा उसको हम वो करेंगे। तो वो मिक्स एंड मैच अलग अलग, वो भी जर्मन बंदा था जो उसने खराई थी, यहाँ पे मैं जर्मन लोगों से मिला वो भी अलग। अच्छी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये लगी, यहाँ पर थोड़ा सा ना सिक्योरिटी और लॉयल्टी दो मिक्सचर एक अच्छा है। जैसे अब हम ट्रेवल कर रहे थे यहाँ से नीदरलैंड जा रहे थे, एंड जाते टाइम हम रास्ते में आने वाले ढाबे, जैसे इंडिया में पढ़ते हैं तो यहाँ भी ढाबे पढ़ते हैं, ढाबे नहीं नॉन प्रॉपर प्लेसेस होती हैं पार्किंग प्लेसेस, वहाँ पर होटल्स वगैरह या फिर कोई ऐसी प्लेसेस होती हैं वहाँ पर आकर रुक जाते हैं। तो हम जाके रुके और वहाँ पर हम अपना बैग भूल के आ गए, जिसके अंदर हमारा पासपोर्ट है, हमारा वॉलेट है, हमारे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे कार्ड्स हैं, सब चीज़ उसके अंदर बैग भूल के हम वहाँ पर आ गए। और वहाँ से हम गाड़ी लेकर चल दिए, नियरली 150 किलोमीटर हम आगे चले गए, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमारा बैग हमारे पास नहीं। तो हम फिर 150 किलोमीटर वापस आए, बारिश वाला मौसम था, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, वहां पर जाके पूछा हमें वो चीज़ आराम से मिल गई, इवन जिसके पास था उस बंदी ने चेक करके मतलब कि हमारी फोटो चेक करी और उसके बाद हमें वापस कर दिया हमारे वॉलेट से। तो ये मुझे अच्छी लगी एक लॉयल्टी वाली चीज़, बाकी ये सब जगह भी है बट थोड़ा सा इंडिया के अंदर थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता बट है। इसमें मैं ये बोलूंगा ये कंट्री टू कंट्री भी है, ऐसा नहीं है कि ये जनरल ट्रेंड है पूरे यूरोप में और सारे ही लोग ऐसे हैं अच्छे या बुरे दोनों, वो तो हटाए हर जगह। बट आई थिंक कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे जर्मनी, मैं बोलूंगा इस मामले में अच्छी है, क्योंकि मेरे खुद ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहे, स्टूडेंट लाइफ में मेरे बैग गिर गए थे, मेरे दोस्तों के बैग छूट गए थे बसेस में जगहों पे, तो हमें वापस वही मिला, तो कितनी प्राउड जा रही है, किसी ने टच भी नहीं किया उसको। तो उस भी मामले में हंगरी हुआ, ये दूसरी जो कंट्रीज है जो भी स्पेन हुआ, यहाँ पे यू कैन नॉट ट्रस्ट कि वो मिल जाएगा आपको। थोड़े स्पेन के अंदर थोड़ा ना राउडी टाइप के से लोग जा रहे थे, मतलब ऐसे लग रहे थे कि यार कुछ ना कुछ एग्रेसिव, कुछ ना कुछ भाग रहे हैं वो भी, है ना, कि कुछ चाहिए, कुछ रह गया, कुछ मिसिंग है। तो वहाँ पे काफी सारे लोग हैं, रिलैक्स नहीं है वहाँ पर। तुझे कंक्लूड करना हो अपना ट्रिप, कल तेरी फ्लाइट भी है, तो व्हाट इज योर कंक्लूजन, हाउ वुड यू सम इट अप? यहाँ पर हम यूरोप में जो रह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कल्चरली हम चीज मिस कर रहे हैं, सोशल लाइफ थोड़ा मिस करते हैं लोग यहाँ पर, वो यहाँ पर मिसिंग है। अच्छी चीज यहाँ पर ये यह है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रूल्स, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, गांव देहात भी यहाँ पर सब वेल मैनेज्ड हैं, प्रॉपर तरीके से सब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि शहर में रह रहे हैं तो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पर है, गांव में नहीं है, जैसे इंडिया के अंदर थोड़ा वहाँ पर शहरों के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है, हाँ वो यहाँ पर नहीं है। यार जो दिल्ली एनसीआर मतलब जो अच्छी सिटीज से आ रहे हैं उनको यहाँ पर आके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह देखे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। डिफरेंसेस कहाँ लगेंगे? जहाँ पर रूल्स फॉलो करने की बात आती है वहां पर आपको डिफरेंसेस ज्यादा लगेंगे। खाने पीना बिल्डिंग्स वगैरह उन चीजों के अंदर उतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो स्काईस्क्रेपर्स देख रखे हैं अपने आसपास, वो सब चीजें देख रखी हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा, मेट्रो हमारा काफी अच्छा है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया है तो वो भी काफी अच्छा है, तो मतलब उस वाइज उनको महसूस नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा सा सिटीज एंड टाउन से आ रहे हैं उन लोगों को जो है थोड़ा सा डिफरेंसेस ज्यादा दिखेंगे। आप रोड पर जब रोड क्रॉस कर रहे होगे तो आप हैबिचुअली तो ऐसे होगे दोनों साइड देख के क्रॉस कर रहे हो, बट वैसे नहीं करोगे, यहाँ पर आके सीख जाओगे बटन दबा के रोड क्रॉस करना कर लोगे, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह पे। जेब्रा क्रॉसिंग का एक्चुअल मीनिंग तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगा। तुझे लगा कि मैंने एक महीना यहाँ अपना खर्चे पे आया तो यू फील इट वाज वर्थ इट? घूमने के पर्पस से तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर लिया, मतलब मैंने वो अपना एक्सपोजर जो मुझे लेना था वो मैंने पूरा ले लिया, मतलब तो उस सिर्फ घूमने वूमने पर्पस से तो नहीं, बिजनेस पर्पस से आना पड़ा डेफिनेटली आऊंगा यहाँ पर। यूरोप के मेन कंट्रीज तो मैंने सारी सारी कवर अप कर ली है, जैसे पहले जर्मनी कवर कर लिया, उसके बाद स्विट्जरलैंड मैंने कवर कर लिया, उसके बाद चेक रिपब्लिक मैंने कवर कर लिया, उसके बाद फ्रांस का भी कुछ एरिया मैंने कवर कर लिया, नीदरलैंड्स मैंने कवर कर लिया एंड स्पेन मैंने कवर कर लिया। तो मेन जो हमारी इंडिया में रहने के बाद जो हमारे अंदर वो आती है कि यार ये तो हमें देखना ही चाहिए था सब कुछ, वो मैंने ऑलमोस्ट देख लिया है।
कुछ गरीब कंट्रियां जो ईस्ट में आती हैं हमारी हंगरी वगैरह वो सब चीजें वो नहीं करी है, तो वो मे बी इन फ्यूचर कभी दोबारा टाइम बना तो बनाएंगे, बट वो उसके लिए इतना वो नहीं है अंदर से कि मुझे करनी ही करनी है, बाकी ये थी मेरे अंदर लिस्ट के अंदर, तो मैंने वो चीजें यहाँ पर कर ली है। चलो ये तो तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, अब तूने खुद फर्स्ट हैंड सारी चीज एक्सपीरियंस कर ली है, तो अब कोई जो इस वीडियो को देख रहा है या कोई इस वीडियो को यूज करना चाहे अपनी प्लानिंग में, तो उसके लिए तेरी क्या टिप्स होंगी कि कैसे प्लान करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, व्हिच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्टली इन आवर वीडियो ऑलरेडी, बट स्टिल इफ यू हैव टू समराइज इट फॉर पीपल की क्या कुछ ऐसी टिप्स देगा तू? कि मेन टिप्स तो यही है, पहले तो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो, ठीक है ना, अपने सारे के सारे प्रॉपर वे के अंदर लेकर चलो। जब आप यहाँ पर आ जाते हो अपना पासपोर्ट अपने पास रखो, अपनी रिटर्न टिकट की कॉपी अपने पास रखो, एंड हो सके तो अपने होटल्स की आइटनरीज को अपने साथ में रखो, क्योंकि अगर बाई चांस कोई पूछ भी लेता है आपसे तो आप इजिली उसको दिखा सकते हो कि आप कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ स्टे कर रहे हो, क्या कुछ। ऑल्दो पूरे ट्रिप के अंदर मुझे किसी ने पासपोर्ट नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप पास आंसर हो किसी चीज का। एक दो चीजें जैसे कुछ डिवाइसेस हैं अपने साथ लेकर आओ, जैसे कि आपका यूनिवर्सल चार्जर वो लेकर आओ, बट एक मेरे को प्रॉब्लम हुई, मैं यूनिवर्सल जो चार्जर लेकर आया उसके वो यहाँ पर आके उतना फिट नहीं हो रहा था, तो एक दो एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि वहां पर ना यहाँ पर कौन सी चीज फिट हो कौन सी नहीं हो, जैसे कुछ प्लग्स में हो रहा था वो कहीं पर नहीं हो रहा था, तो इट्स पॉसिबल दो तीन रख लो जिससे आपको काम आ जाए। पावर बैंक वगैरह जरूर लेकर आओ, यहाँ पर फोन के अंदर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लैपटॉप्स के अंदर आप लेकर आ रहे हो, लैपटॉप की जो आपका टू पिन सॉकेट आता है यूनिवर्सल वाला, उसी को लेकर आओ, ज्यादा बेटर काम करेगा रादर देन ये आपका यूनिवर्सल चार्ज आपका एडाप्टर है उसके थ्रू। अपनी मेडिकल किट पूरी लेकर आओ, मेडिकल किट क्योंकि यहाँ मेडिसिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो वहां पर हमें 10-20-30 रुपीज के अंदर चीज मिल जाएगी, यहाँ पर वो 5-6-10 यूरो के अंदर आके मिलेगी, तो वह ज्यादा काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। स्पाइसिस के अगर आप लवर हो तो आपको स्पाइसिस में यहाँ पर नहीं मिलेंगी खाने के अंदर, जब खाने के लिए स्पाइसिस आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी, ना के बराबर मिलेंगी, तो ये मत सोच के चलना कि आपको यहाँ पर पेट भर जाएगा कोई खाना वाना खाने में, कुछ अजीब सा ही खाने को मिलेगा। समुद्र में गए थे, मतलब पानी वगैरह के अंदर गए थे, तो वहां पर भी हमें किसी की दिक्कत हो रही थी, हम अपने पूरे गियर्स के साथ नहीं गए थे, तो शूज वगैरह मिसिंग थे हमारे पैरों के अंदर, काफी सारे कटवट लग गए। एंड स्नॉकरिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे खासे, मतलब वो एरिया जो, तो अपनी कुछ किट्स लेकर जाओ और ज्यादा बेटर एक्सप्लोर करोगे। नेक्स्ट टाइम जब आना होगा तो मैं इन चीजों के साथ आऊंगा, ये सब चीजें रेडी लेके। तो एट द एंड मेरे को बस इतना पूछना था कि जैसे तू हम लोगों ने अपना हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करते रहते थे कि हम जर्मनी में ये कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, हमने ये लाइफ देखी वैसा लाइफ देखी, और तुझे भी एक एक्सपेक्टेशन सेट थी आने से पहले, तो वर दोज एक्सपेक्टेशंस केम ट्रू? ऐसा तेरे को फील होता है कि वो एक्सपेक्टेशन जो थी कि ऐसा मैंने एक बनाया हुआ था दिमाग में वो यहाँ मिला, या कि वाज इट कंप्लीटली डिफरेंट? मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, या फिर वैसे भी हम काफी ज्यादा माउंटेन्स या मतलब टेरेंस के अंदर बहुत ज्यादा घूम चुके हैं, तो वो सब चीजें मैंने तो काफी कुछ कर रखी थी, तो ऐसा नहीं जितना हाइप बना रखा है यूरोप का उतना भयंकर हाइप है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओनली रूल्स, मैं बार बार वीडियो के अंदर 3-4 बार ही बोल चुका हूँ, रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो चीजें हैं, अदरवाइज मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है, इंडिया में सब है वो सब चीजें हैं अवेलेबल है इजीली। और वेदर वगैरह में तेरे को कैसा फील हुआ कि यहाँ पे कैसा वेदर ओवरऑल फील हुआ, क्लाइमेट और एयर में कैसा ब्रीथ करते हुए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब भी जाता हूँ दिल्ली, मेरे को तो टाइम लगता है क्योंकि इतना पोल्यूशन है, उसके बाद मैं बीमार पड़ जाता हूँ, फिर रिकवरी होती है, फिर वहां खाता हूँ, फिर जाके मेरे को यहाँ पे तेरे को कैसा लगा? यहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को, ऐसा कोई वो नहीं है, थोड़ा सा जिस टाइम पे मैं आया हूँ थोड़ा वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रहा, कई बार बारिशें आ रही हैं, कंटिन्यूस बारिश चले जा रही है, वो थोड़ा सा मेरे ट्रिप्स खराब कर रही थी, मेरे घूमने से रडार असिस्ट कर रही थी, क्योंकि वो रुकी नहीं रही है पूरा दिन, आप बारिश 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 बारिश, तो वो सब कुछ हो रहा था। बाकी ओवरऑल अभी का वेदर तो अच्छा लग रहा है, अब जैसे हम धूप में बैठे हुए हैं एंड प्लीजेंट सा लग रहा है, तो ये अच्छा है। कुछ कंट्रीज के अंदर थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, जैसे स्पेन के अंदर काफी ज्यादा गर्मी थी, नीदरलैंड्स के अंदर और भी अच्छा वेदर लगा मुझे, वहां पर ठंडा मौसम और क्लाउडी सा चल रहा था पूरे टाइम पर, एक दिन तो मतलब पूरा ग्रे वेदर भी मैंने देख लिया वहां पर पूरा, वहां पर हम 3-4 दिन रहे थे, तो वहां भी अच्छा रहा।
तो ओवरऑल वैसे वेदर क्लीन है, अच्छा है, बाकी वैसे क्लीनलीनेस अच्छी लगी मुझे। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पर आने में जिस तरह से निशा ने हेल्प किया मुझे, मुझे सब कुछ बताया क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है, तो डेट वॉज वेरी हेल्पफुल कि आप ये सब चीज़ें रेडी कर लो आपको। और मतलब वो स्टेप बाय स्टेप वैसे होता जा रहा था सर, तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने मुझे इन सब चीज़ों के अंदर गाइड किया, हेल्प किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डेफिनेटली सब्सक्राइब करें यार, बहुत जरूरत होती है। शेयर करें।